Michael J. for Hope for the Warriors. Started back in 06 at Camp Lejeune. Military families witnessing the effects of war on their loved ones. Now, almost 20 years later, they've aided over 53,000 service members, veterans, and families with confidential, high-quality behavioral health care services at little or no cost to post-9/11 vets and their families. Over 91% of every dollar donated goes directly to the programs. If you're as concerned about our heroes as I am, go to hopeforthewarriors.org. This is the Epilogue Audio Experience. नमस्ते दोस्तों, मस्त मौला शेख चिल्ली में आज की कहानी है तरबूज और चोर। शेख चिल्ली को नींद नहीं आई, आती भी कैसे। फातिमा बीबी ने उस शाम शेख की अम्मी को एक तरबूज दिया था जो वो इत्तेफाक से घर लाना भूल गई। बस शेख उसी तरबूज के बारे में ही सोचता रहा। पूरे पिछले हफ्ते अम्मी रोजाना कई घंटों के लिए फातिमा बीबी के यहाँ उनकी बड़ी लड़की की शादी की तैयारियों में मदद करने को जाती थी और हर शाम अम्मी शेख के लिए फातिमा बीबी द्वारा दी गई चीजें लाती थी। पहले दिन वो रसीले गुलाब जामुन लाई थी, उसके बाद में खीर और फिर केले। आज अम्मी को एक बड़ा तरबूज मिला था। शेख के मुंह में तरबूज के बारे में सिर्फ सोच कर ही पानी आने लगा। अम्मी को तरबूज का वजन बहुत भारी लगा, इसलिए वो उसे फातिमा बीबी के घर के आंगन में ही छोड़ आई। शेख चाहता तो सुबह जाकर तरबूज को ला सकता था, परंतु वो तो तरबूज अभी खाना चाहता था, अभी तुरंत। उसका भूखा पेट उसे आदेश दे रहा था। शेख उठा, अम्मी अभी गहरी नींद में सोई थी। उसने चुपचाप रात के अंधेरे में गांव की सुनसान गलियों में फातिमा बीबी के घर की ओर चलना शुरू किया। जैसे ही वो आंगन की चार दीवारी पर से कूदा, उसे सामने अपना तरबूज पड़ा दिखाई दिया। तरबूज कोयले के एक ढेरे के ऊपर पड़ा हुआ था। वो बस तरबूज को उठाकर चलने ही वाला था कि उसे घर के अंदर से आती कुछ आवाजें सुनाई पड़ी। वहां कौन हो सकता है, घर तो खाली था, पूरा परिवार तो पास के गांव में रिश्तेदारी में गया हुआ था। क्या वे सब जल्दी लौटकर वापस आ गए थे? फिर उनके घर के बाहर ताला क्यों लगा हुआ था? शेख इन सब बातों के बारे में सोच ही रहा था, तभी उसे अपनी ओर आते कुछ कदम सुनाई पड़े। हाय, कराने की आवाज आई। वो आवाज लल्लन की थी, वही लल्लन जिसकी दादी को शेख ने बुखार ठीक करने के लिए कुएं में लटकाने की कोशिश की थी और इसके लिए लल्लन ने अपने पिता से बहुत मार खाई थी। उसे पहचानने में शेख को कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं उस बेवकूफ शेख चिल्ली को मार डालूंगा, उसकी वजह से ही मेरे पिता ने मुझे इतनी बुरी तरह मारा है कि मेरी हड्डी हड्डी दुख रही है। और अब खिड़की में से घुसते हुए टूटे हुए कांच से मेरा हाथ कट गया है, अब कराहना भी बंद भी करो। एक दबी सी आवाज आई। शेख उस आवाज को नहीं पहचान सका। जैसे ही वो दोनों लोग सामने आए, शेख कोयले की बोरी के पीछे छिप गया। वो कोयले के बोरों के बीच की झीरी में से उन्हें देखता रहा। ललन के साथ कोई अजनबी था जिसे शेख ने बाजार में घूमते हुए देखा था। ललन एक थैले में कुछ भर कर ले जा रहा था। जल्दी करो, अजनबी ने कहा, चलो फटाफट माल को बांट लेते हैं। अब अजनबी ठीक कोयले के बोरों के सामने अपनी पीठ करके बैठ गया तो शेख बेचारा उसे अपने इतने पास पाकर बहुत घबराया। अजनबी ने थैले को ललन से छीना और उसके अंदर के सारे माल को जमीन पर उंडेल दिया। गले का हार, सोने और चांदी की चूड़ियां, चांदी के ग्लास, सोने के सिक्के, सभी हल्की चांदनी रात में झिलमिलाने लगे। शेख उन सब गहनों को ताकता रहा। उसे मालूम था कि फातिमा बीबी ने थोड़ा थोड़ा करके
उन्हें अपनी लड़की की शादी के लिए इकट्ठा किया था। अम्मी ने शेख को उनमें से हर एक के बारे में बताया था, पर अब यह दोनों लोग उन गहनों को चुरा रहे थे। तुमने तो आधे से ज्यादा हिस्सा ले लिया है, लल्लन ने कमजोर आवाज में अपना विरोध दर्शाया। उसके बाद उस अजनबी ने लूट का थोड़ा सा और माल उसकी ओर बढ़ा दिया। गनीमत है कि तुम्हें इतना भी माल मिल रहा है, अजनबी कुर्राया। मेरे बिना तो तुम्हारी घर में चोरी करने की हिम्मत ही नहीं होती। यह घर भूतहा है, यहाँ पर भूत आते हैं, लल्लन ने फुसफुसाते हुए इधर उधर बेचैनी से देखते हुए कहा। कुछ लोग अब भी इस घर को भूतहा मानते हैं, तो चलो इससे पहले कि भूत हमें पकड़े हम यहाँ से भाग लेते हैं, अजनबी हंसा। उसकी हंसी में चालाकी छिपी थी। अगर तुम लूट का कुछ और माल चाहते हो तो अपने साथ इस तरबूज को भी ले जाओ। अजनबी ने कोई 3/4 सोने और चांदी के गहनों को थैलों में भरा, बाकी को अपनी जेबों में भरते हुए वो कुछ बुदबुदा रहा था। लल्लन ने खड़े होकर तरबूज को उठाने की कोशिश करी, परंतु पोरों के पीछे से शेख चिल्ली भी तब तक खड़ा हो गया था। वह अपने तरबूज को कैसे जाने देता? तरबूज को उसने अपनी पूरी ताकत से पकड़े हुए था। अंधेरे में जैसे ही शेख की उंगलियां लल्लन की उंगलियों को टकराई, वैसे ही लल्लन बुरी तरह से घबरा गया। भूत, वो बुदबुदाया, भू भू भूत। शेख बोरों से टिककर तरबूज को कसकर पकड़े रहा। इस हड़बड़ी में कोयले के 2 बोरे अचानक लुढ़के और लल्लन और उस अजनबी के ऊपर जा गिरे। अब लल्लन ने सारी सावधानी को ताक पर रख दिया। भूत, वो जोर से चिल्लाया। भूत, डरा हुआ शेख चिल्ली और भी जोर से चिल्लाया। भूत, चोर, भूत। इसके पहले कि दोनों चोर भाग पाते, आवाजें सुनकर आसपास के लोग जमा हो गए। कोयले की धूल में सने दोनों चोरों को कोतवाली ले जाया गया। लल्लन अभी भी बुदबुदा रहा था, भूत भूत। एक पड़ोसी फातिमा बीबी के परिवार के वापस आने तक लूट के गहनों की पहरेदारी करता रहा और शेख को लोग हीरो जैसे उसके प्यारे तरबूज के साथ घर वापस पहुंचाने के लिए गए। तो था ना मजेदार किस्सा, तरबूज का, शेख चिल्ली के तरबूज का। तो यह था शेख चिल्ली का एक रोचक मजेदार किस्सा। इसी कड़ी को आगे बढ़ाते हुए जल्द ही लेकर आऊंगी एक और मनोरंजक किस्सा मस्त मौला शेख चिल्ली का। अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इन गुदगुदाते किस्सों का भरपूर आनंद उठाने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें और नई कहानियां सुनते रहें ईपीलॉग मीडिया वेबसाइट द्वारा आपके सभी फेवरेट पॉडकास्ट स्टेशंस पर। Now is the time for America to chart its course to a green energy future. And we can't do it without clean hydrogen. But it's up to regulators in Washington to establish the right rules that advance clean hydrogen today. Clean hydrogen needs the full extent of the production tax credit to decarbonize heavy industry, create high-skilled jobs, and lead the global energy transition. Get the facts at cleanhydrogentoday.org. Paid for by the Fuel Cell and Hydrogen Energy Association.